हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज पर 20 लाइन निबंध, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज पर 20 लाइन लिखेंगे, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप उसको समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए पहली लाइन क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज एक महान शासक व वीर योद्धा थे। दूसरी लाइन, उनका जन्म फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। तीसरी लाइन, वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। चौथा लाइन, उनकी माता का नाम जीजाबाई था। जो एक बहादुर व धार्मिक महिला थी। पांचवा लाइन, उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो कि एक जागीरदार थे। उनके पिता क्या थे, जागीरदार थे, और उनकी माता क्या थी, धार्मिक महिला थी और एक बहादुर महिला थी। छठी लाइन, उनके गुरु दादाजी कूटदेव थे। सातवीं लाइन, वह बचपन से ही
बचपन से ही बहुत साहसी व निडर थे। आठवां पॉइंट, उन्हें छत्रपति शिवाजी तथा शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। महाराज के नाम से जाना जाता है। नौवां पॉइंट, वह समानता व न्याय में विश्वास रखते थे। दसवां पॉइंट, वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। ग्यारहवां पॉइंट, वह बचपन से ही तलवारबाजी तथा दुर्ग विजय खेल में या खेल खेलते थे। पॉइंट नंबर 12, बारहवां, उन्हें सैन्य युद्ध व प्रशासन में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त था। तेरहवां पॉइंट, उन्होंने अफजल खान को पूरी तरह से हरा कर महान प्रसिद्धि प्राप्त की थी। चौदहवां पॉइंट, उन्होंने मुगल शासक मुगल शासक
औरंगजेब से काफी संघर्ष किया था। पंद्रहवां पॉइंट, पंद्रहवां लाइन, उनका जन्म दिवस हर साल शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सत्रहवीं लाइन, उनकी मृत्यु उनकी मृत्यु तीन अप्रैल 1680 को हुई थी। 18वीं लाइन, हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए शिवाजी महाराज के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। 19वीं लाइन, छत्रपति शिवाजी महाराज सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगे। 20वां व अंतिम पॉइंट, अपने शौर्य व पराक्रम के कारण उन्हें युगों युगों तक
किया जाएगा। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको पता है कि शिवाजी महाराज हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है और उनका जन्मदिन जो है हमेशा शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही वो क्रांतिकारी, बहुत ही मतलब एक महान योद्धा के रूप में होते हैं और हमारे देश के लिए बहुत ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, ठीक है। और उन्होंने अफजल खान को बहुत ही बुरी तरीके से परास्त भी किया था और उनका जो जन्म था शिवनेरी में हुआ था, पुणे में पड़ता है, शिवनेरी किला में, ठीक है। और एक बहुत ही महान और क्रांतिकारी राजा थे, ठीक है, और एक बहुत ही वीर योद्धा भी थे। इसी इन्हीं सब बातों के साथ शिवाजी महाराज को सत सत नमन है और बारंबार प्रणाम है। और इसी बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद या शिवाजी महाराज की जय हो जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।